फेडरेशन ऑफ वर्किंग यूनियन जो हमारी जो आईएफडब्ल्यू जो की लगभग पहचान हुई कि ये बड़े बुजुर्ग लोगों का संगठन है, तो हम चाहते हैं कि कम से कम हम लोगों के बीच में कम से कम युवाओं की भी एक इकाई बने, युवा लोगों की भी एक इकाई बने, ताकि हम कह सके कि भाई बुजुर्ग लोग नहीं हमारे साथ युवा लोग भी है, युवाओं की भी इकाई हमारे साथ काम कर रही है, महिलाओं की भी इकाई हमारे साथ काम कर रही है। क्योंकि देखिए हम लोग जो है पूरे प्रदेशों को जोड़ के काम कर रहे हैं, यानी केंद्र की यूपीए सरकार, एनडीए सरकार कह लो या पुरानी यूपीए सरकार, हमारा संगठन यूपीए और एनडीए से बिल्कुल मिलता जुलता, हम सब लोगों को लेकर चलने वाले लोग हैं। तो सब लोगों को लेकर चलेंगे तब जब हम सभी लोगों को लेंगे, उसमें बुजुर्ग भी हो, महिला भी हो, युवा भी हो, तब हमारा संगठन अच्छा मजबूत होगा और युवाओं को भी एक नेतृत्व मिलेगा, मौका मिलेगा कांग्रेस के नेतृत्व में आगे बढ़ने का। इसलिए हम लोग जो मध्य प्रदेश में भी जो काम कर रहे हैं, पत्रकार भवन की बहुत बड़ी लड़ाई है, ये पत्रकार भवन जो भोपाल का जिसको डिसमेंटल किया जा रहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सुनियोजित साजिश है, आज हम लोग उसकी भोपाल वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन लड़ाई लड़ रही है। हम कई बार कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा चुके हैं, हर बार किसी न किसी माध्यम में कोई न कोई प्रस्ताव लाकर इस बिल्डिंग को डिसमेंटल किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। वो भोपाल वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की यूनिटी जो मध्य प्रदेश की जिसको हाई कोर्ट ने माना था, उस कमेटी के 9 लोग बैतूल के सदस्य है, अकेले भोपाल पत्रकार भवन की कमेटी में 9 लोग बैतूल के सदस्य लोग है। हम लोग आज उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। दुर्भाग्यवश वो 4 करोड़ से अधिक की बिल्डिंग जिसके ऊपर सारे भूमाफिया की नजर है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि इतनी अच्छी लोकेशन की जगह है, इसको डिसमेंटल करके पत्रकारों को मीडिया सेंटर टाइप का कहीं बना के दे दिया जाए। तो भोपाल के पत्रकार भवन को बचाने की लड़ाई में कांग्रेस हम आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी प्रेशर बनाइए, प्रभाव बनाइए, आप लोग भी कम से कम साथ दीजिए, हमको भोपाल पत्रकार भवन ही नहीं बचाना है, आईएफडब्ल्यूजे की नाक भी बचाना है, बहुत बड़ी जीत है हमारी।